आपको बता दें, देश में कोरोना तांडव मचा रहा है, तो महाराष्ट्र में कल रात से कोरोना का महाकर्फ्यू शुरू हो गया है। उद्धव सरकार ने कोरोना के जो नए नियम बनाए हैं वो लॉकडाउन से कम नहीं है। इसे नाम दिया गया है ब्रेक द चेन। कोरोना इतने घातक तरीके से फैलेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त देश में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का परमाणु बम फट गया है। कोरोना के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से कोरोना मौत दे रहा है, समूचा देश कोरोना के खौफ से थर्राया हुआ है। देश के 8 राज्यों जहां कोरोना ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, सबसे पहले उन 8 राज्यों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र 60,212 केस, यूपी 17,963 केस, छत्तीसगढ़ 15,121 केस, दिल्ली 13,468 केस, एमपी 8,998 केस, कर्नाटक 8,778 केस, केरल 7,515 केस, तमिलनाडु 6,984 केस। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी बार 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में 60,212 नए केस आए। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में 281 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 5,93,042 एक्टिव केस हैं। देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा ब्राजील में 80,157 और अमेरिका में 77,720 मरीज मिले हैं। एकदम काही लॉकडाउन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत, कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील, की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही श्रृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सख्तियों के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना से जूझते मरीजों के लिए ऑक्सीजन मांग रहे हैं। आणि म्हणून मी त्यांना विनंती केली की पंतप्रधान महोदय, की आम्हाला आताची जी काही परिस्थिती आहे ती पाहिल्यानंतर येत्या काही काळामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता लागणार आहे। आमच्या इथे जे कारखाने आहेत किंवा ज्या जे उद्योग आहेत त्यांना मी विनंती केलेली आहे, त्यांनी तसं कबूल केलेलं आहे, त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे ते आपल्याला ऑक्सिजन द्यायला त्यांनी सुरुवातही केलेली आहे। पण तरी देखील आपल्याला अधिकचा जो ऑक्सिजन लागणार आहे तो आम्हाला इतर राज्यातून आणण्यासाठी परवानगी द्या आणि ती वाहतूक सोयीस्कर होईल याच्यासाठी सुद्धा मदत करा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की आशंका में पहले से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों का हुजूम नजर आ रहा है। इस हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के लिए 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। शहर भर में पाबंदियां तो लगा दी जाएंगी, लेकिन आने वाले दिनों में आखिर क्या होगा, यही परेशानी तमाम लोगों को इस वक्त शहर में सता रही है। ग्राउंड जीरो पर उन आवाजों को आपको सुनाते हैं जिनकी बातें रियली मैटर करती हैं। पहले से ही बहुत बुरी हालत है, और बुरी हालत हो जाएगी, और जब हमारे को घर चालू भी रखने बोलेंगे, जब पब्लिक नहीं रहेगी तो हम धंधा कहाँ से करेंगे। अभी देखो सुबह 8 बजे से गाड़ी खड़ा है और अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है। पहले मुझे बताइए, जब नॉर्मल दिन थे तब कितना कमा लेते थे दिन में, और अब कितनी कमाई होती है? 1100-1200 रुपया दिन भर में बन जाता था, 8-9-10 घंटे में, और अभी 12-12 घंटा चलाते 400-500 रुपया बहुत मुश्किल से बनता है। धंधा बंद तो घर कैसे चलेगा? हाँ, घर तो नहीं चलेगा, अभी मुश्किल तो बहुत निकल रहा है। ऐसा चलेगा तो कैसा हो जाएगा, सबका पेट पानी भरने का, बच्चे लोग का फी है,
स्कूल का फी मांग रहे, स्कूल बंद होके भी फी मांग रहे। जब भी लोग ये पाव बढ़ा तभी से ये पूरा ये हो गया, रिक्शे का धंधा पूरा मंदी हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात कितने बदतर हैं, सतारा की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस ऑटो रिक्शा को देखिए, सतारा के ग्रामीण अस्पताल में कोई बेड नहीं बचा तो ऑटो में ही ऑक्सीजन लगाकर कोरोना पीड़ित का इलाज किया जा रहा है। सतारा जिले में सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल हैं। भले ही यहां 60% से ज्यादा लोग घरों में क्वारंटीन हों, फिर भी बेड की समस्या भयंकर है। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।